हेलो एवरीवन। देखिए, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। देखो, इसको हम दो वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने जो कहा था, और दूसरा हम क्लॉसियस स्टेटमेंट के उसमें, ठीक है। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या कहा, कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन हुज सोल पर्पज इज टू कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी इन टू वर्क। देखो, कैल्विन ने क्या बताया कि हम ऐसा कोई इंजन नहीं बना सकते जिसमें कि हम पूरी की पूरी जो हीट लें, ठीक है, उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर दें। मतलब ये कह रहा है कि वेस्ट तो होगा ही कुछ ना कुछ, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो बन सकता कि वेस्ट कुछ हो ना और सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हीट इंजन का एग्जांपल लो, लिखा भी है हमने दिस इज एप्लीकेबल टू हीट इंजन। जैसे हीट इंजन का मैं यहाँ पर अगर डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, तो इस तरीके से था, अगर आपको पता हो, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये हीट इंजन था और ये था हमारे पास, देखो इस तरीके से था ये हमारे पास। देखो, ये तो था हमारे पास हॉट रिजर्वर, ठीक है, याद आया, इसका टेम्परेचर T1 था और इसका टेम्परेचर T2 था, जिसमें हमने कहा था T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो ये कोल्ड रिजर्वर हो गया था हमारे पास, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया था सोर्स ऑफ हीट और ये हो गया था सिंक। बिकॉज यहाँ से हीट मान लो इस तरीके से Q1 गई और हीट इंजन में गई है, ठीक है, और फिर कुछ वर्क होता था, है ना, और कुछ हीट यहाँ ऐसे रिजेक्ट हो जाती थी, यही होता था। अब अगर आपको एफिशिएंसी वाली कहानी याद हो, मैंने वहाँ पर आपको बताई थी एफिशिएंसी वाली कहानी। क्या थी वो एफिशिएंसी वाली कहानी, बताओ। वहाँ अगर आपको याद हो, एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी वर्क डन अपॉन में हीट गिवन फ्रॉम द सोर्स, इस तरीके से थी। और यहाँ W है क्या, एक तरह से वर्क डन क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर। देखो, यहाँ पर क्या हुआ, Q1 हीट गई और ये Q2 आई, इधर से बाहर से निकली, ठीक है ना। तो Q2 चली गई और Q1 आई, तो Q1 में से Q2 बाहर निकल गई, तो जो हीट हुई वो वर्क में यूज़ हुई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ से देखो Q1 इज इक्वल टू में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वर्क में, और दूसरा ये Q2 में। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू में वर्क डन, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था वहाँ पर, तो Q1 माइनस में Q2 हुआ था और ये Q1 हुआ था, और परसेंटेज में निकालते थे तो 100 लगा देते, तो परसेंटेज में आता था। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर ये Q2 हो ही ना, है ना, Q2 क्या है, निकले ही ना, कुछ भी ना हो, वेस्ट कुछ भी ना सिंक करे, तो ये जीरो हो गया। तो ये Q1 अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, ये Q1, ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो, और इंटू में ये 100, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1 इंटू में 100, तो 100% बन जाएगी एफिशिएंसी, वो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही बात बोल रहा है कि 100% एफिशिएंसी वाला ये हम कोई भी मशीन बना नहीं सकते, ये चीज़ कह रहा है, या इंजन नहीं बना सकते 100% जिसमें एफिशिएंसी हो, क्योंकि उस केस में तो क्या होगा, ये जीरो होना पड़ेगा Q2 को, Q2 जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हीट फ्लो कैसे करेगी, हीट फ्लो होगी तभी तो कुछ वर्क होगा, समझ रहे हो। जब हीट, अगर यहाँ मान लो हीट गई ही नहीं इधर, Q2 कुछ भी नहीं है, तो हीट फ्लो कैसे होगी, हीट फ्लो ही तो होगी हाई टू लो टेम्परेचर, तभी ये कहानी बनेगी, है ना। फ्लो होगी तभी तो यहाँ पर आप वर्क ले पाओगे, अगर ये जीरो हो गया तो ये फ्लो ही नहीं करेगी, काम ही नहीं होगा, 100% एफिशिएंसी हो नहीं सकती, समझ रहे हो। इतनी बात ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, नहीं तो सिंपल सा फंडा यही समझो कि वो जो उसने बोला कि ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते कि आप जितनी हीट लो उसको पूरी को कन्वर्ट कर लो वर्क में, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगी, यही लिख रखा है कि हीट इंजन पे एप्लीकेबल है जो वर्किंग सब्सटेंस है वो, मतलब जैसे स्टीम इंजन है, उसमें स्टीम हो गया वर्किंग सब्सटेंस, है ना, तो वही काम कर रहा है ना अंदर सिलेंडर में जाके और पिस्टन को मूव करा रहा है, तो इसलिए तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता पूरी हीट को जो उसने सोर्स से लिया इन टू द वर्क, ठीक है। इट मस्ट रिजेक्ट सम हीट टू द सिंक एट लोअर टेम्परेचर, क्लियर है इतनी बात, ये तो क्लियर हो ही गई होगी आपको, ठीक है। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो, क्लॉसियस ने क्या कहा कि हीट जो है ना हमारी, जैसे कि यहाँ जा रही थी, ठीक है, ठीक है भैया, कि हॉट टू कोल्ड अपने आप जाती है, कुछ हमने किया नहीं है, अपने आप गई वो यहाँ से, यहाँ फ्लो हुई। लेकिन अगर कोल्ड टू हॉट जाना है ना, उसे लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर जाना है, तो वो खुद से नहीं जाएगी, कुछ आपको एक्सटर्नल वर्क कर देना करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये हो सकता है, क्लियर। कोल्ड से हॉट अपने आप नहीं जाएगी, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा तब जाएगी ये। जैसे यार देखो, ऊपर से कोई चीज़ छोड़ो आप, नीचे आ जाएगी अपने आप, ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए किसी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन देना पड़ेगा ना भैया। तो वही कहानी हो रही है, हीट हाई टू लो तो अपने आप आ जाती है, लेकिन लो टू हाई जब भेजनी है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब जब हाई टू लो आ रही थी तो हमने उसका यूज़ कर लिया, वर्क करवा लिया एक्सटर्न, मतलब बाहर व्हील्स पे करवा लिया वो वर्क, ठीक है। लेकिन जब आपको कोल्ड टू हॉट करना है तो खुद से वर्क करना पड़ेगा। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इसका बिल्कुल उल्टा है, देखो सेम यही डायग्राम बना के मैं आपको बताऊंगा आगे, वैसे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ नॉर्मली आप समझ लो, ये हॉट वाला है, ये क्या है, कोल्ड वाला है, ठीक है। ये T2 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है। अब ये क्या है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से हम कहें कि हीट पंप होता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ हमें
हीट फ्लो करवानी है कोल्ड टू हॉट, तो ये कैसे हो सकती है? ऐसे ही नहीं हो सकती। कैसे होगी? जब इसमें कुछ यहाँ वर्क करवाओगे आप, वर्क करवाओगे। वर्क कैसे होगा? जैसे कि रेफ्रिजरेटर में आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हो या नहीं देते हो, ठीक है, तब वो चलता रहता है, ठंडा करता है, समझ रहे हो? ये फ्लो ही तभी होगा जब यहाँ से कुछ वर्क दोगे। वर्क दोगे तो ये चीज़ फ्लो होगी। ज़बरदस्ती आप क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ फ्लो करवा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप यहाँ से हीट को बाहर, कहाँ, कोल्ड टू हॉट, लेकिन विदाउट एनी वर्क वो पॉसिबल नहीं है। वर्क करना पड़ेगा तब फ्लो होगी। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा था, अपने आप ही हीट फ्लो हो रही थी, हम वर्क ले रहे थे उससे। यहाँ पर क्या है, हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नली कुछ वर्क, तब ये फ्लो होगी हीट यहाँ से यहाँ, और तभी आपकी चीज़ें ठंडी रहेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अनएडिड, मतलब बिना किसी हेल्प के, जैसे कि यहाँ हमने देखा ही था, बट इट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। लेकिन ये फ्लो कोल्ड से हॉट नहीं हो सकती विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कहीं जगह जैसे लिखा भी होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन अनएडिड या विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, कि हम ट्रांसफ़र कर दें वहाँ पर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो वो इम्पॉसिबल है ऐसी मशीन बनानी जहाँ पर हम बिना किसी वर्क के कोल्ड टू हॉट ट्रांसफ़र कर दें हीट, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। तो भी इसी लिख रखा है यहाँ, दिस इज़ एप्लीकेबल टू द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की कहानी यही है, ठीक है। वहाँ पर कंप्रेसर लगा होता है, आपने देखा होगा, वो काम यही करता है, वर्क करवा रहे हैं हम वहाँ पर, वर्क करवा रहे हैं खुद से, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। द वर्किंग सब्सटेंस कैन एब्जर्व हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी ओनली इफ़ वर्क इज़ डन ऑन इट, ठीक है, जैसे मैंने कहा गैसेज होती हैं, ठीक है, थीके? तो कैसे होगा, वो कैसे ऑब्जर्व करेगा वहाँ से, इस कोल्ड से यहाँ पर कैसे करेगा, जब कुछ वर्क कराओगे, ठीक है, इफ़ वर्क इज़ डन ऑन इट, और जो वर्क होगा वो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर की हेल्प से होगा। इफ़ नो एक्सटर्नल वर्क इज़ डन, तो जो रेफ्रिजरेटर होगा वो काम नहीं करता। क्लियर है, समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। दोनों जो स्टेटमेंट्स थी उनमें बात वो सेम सी ही कह रहा है कि भैया यहाँ पर क्या होगा, हीट फ्लो हो रही है, ऑब्वियस फ्लो होगी तो यहाँ कुछ हीट आएगी आएगी, है कि नहीं बात, और तभी वर्क आप कर पाओगे, नहीं तो वर्क होगा ही नहीं। यहाँ भी ये यही कह रहा है, ठीक है ना, कि भाई सीधी तो आ ही रही है जो हमारी हीट है, लेकिन जब आपको उल्टा फ्लो करवाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा खुद से, ठीक है ना, बात ये है समझने की, क्लियर है। तो सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लॉ में वो बता रहा था ना कि हम डायरेक्शन नहीं बता पा रहे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन यही थी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बता पा रहे थे, तो वो सेकंड लॉ ने बताई थी फिर, ठीक है, क्योंकि ये दिख ही रहा था यहाँ पर फ्लो ऐसे हो रही है हीट, क्लियर है, अपने आप से तो ऐसे ही हो रही है ना, ठीक है। और जब हमें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब उल्टा फ्लो करवाना है, कोल्ड टू हॉट करवाना है, मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर करवाना है, ठीक है। यहाँ पर भी ये टी वन ग्रेटर देन टी टू ही था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, लिमिटेशन क्या है हमारी सेकंड लॉ की थर्मोडायनेमिक की, देखो इट कैन नॉट बी प्रूव डायरेक्टली, अभी डायरेक्टली कुछ प्रूव नहीं है, सब कुछ किए करके देखा गया है तभी ये चीज़ें समझ में आई। और इट इज़ एप्लीकेबल टू साइक्लिक प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ कहानी क्या है साइक्लिक प्रोसेस में, जहाँ पर क्या होती है हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो जाती है, ठीक है, इनिशियल स्टेट ही हमारी फाइनल स्टेज पे आती है, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये कहानी थी आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। केल्विन ने क्या कहा कि जो आप हीट सोर्स से ले रहे हो वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ वेस्ट होगी होगी, ठीक है जी, थिंक करनी पड़ेगी। क्लॉसियस स्टेटमेंट ने क्या कहा कि जो कोल्ड टू या फिर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अगर हमें हीट फ्लो करवानी है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नली कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिना वर्क करे कुछ नहीं होगा, ठीक है जी, क्लियर है, ओके, थैंक यू।